आज के हम इस वीडियो में मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र के बारे में जानेंगे कि हीट ट्रांसफ़र कितने प्रकार से होता है। तो जैसे कि पता है, हीट का ट्रांसफ़र तीन प्रकार से होता है। नंबर एक क्या होता है? कंडक्शन होता है। नंबर दूसरा क्या होता है? कन्वेक्शन होता है। नंबर तीन क्या होता है? रेडिएशन होता है। तो इसी प्रकार से कंडक्शन किसे कहते हैं? हीट ट्रांसफ़र की वह मोड है जिसमें किसी बॉडी के मॉलिक्यूल जो होता है बिना माइग्रेट अर्थात प्लीज चेंज मतलब स्थान छोड़े हुए वाइब्रेशन के करते हैं, जिससे वाइब्रेशन के कारण इनकी एम्पलीट्यूड बढ़ जाती है। इस प्रकार अणु बिना माइग्रेट हुए मोमेंटम का ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर मूव करती है। इस प्रक्रिया को हम हीट ट्रांसफ़र की इस मोड को कंडक्शन कहते हैं। तो ये जो कंडक्शन होता है, कंडक्शन की इस घटना नॉर्मली जो होती है सॉलिड में होती है, लेकिन थोड़ी मात्रा में लिक्विड व गैस में भी होती है। और कंडक्शन जो होता है में अणु जो होता है अपना प्लीज नहीं छोड़ते हैं, अर्थात वह अपने मॉलिक्यूल का माइग्रेशन नहीं होता है। कंडक्शन में ट्रांसफ़र ऑफ मोमेंटम होता है। कंडक्शन की प्रोसेस अकेले। इसी प्रकार हम अगला टॉपिक देखते हैं, कन्वेक्शन क्या होता है। कन्वेक्शन वह होता है हीट ट्रांसफ़र की इस मोड में अणु की माइग्रेशन होता है। इसमें अणु ऊर्जा लेकर अपना स्थान छोड़ देता है, जिसके कारण इसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम होता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई टैंक है, ये टैंक है, इसमें कुछ लिक्विड भरे हुए हैं। टैंक के मान लीजिए क्या है, कुछ लिक्विड भरे हुए हैं, और नीचे से हम ऊर्जा देते हैं, ऊष्मा क्या करते हैं देते हैं। ये टैंक हमारा है और ये लिक्विड है, ये लिक्विड है। जब हम ऊर्जा देते हैं तो इस टैंक के बटन में जो नीचे के तल में जो लिक्विड होते हैं वो ये ऊष्मा पाकर एनर्जी पाकर ये क्या हो जाते हैं, ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। वो क्या होते हैं, इनकी डेंसिटी कम हो जाती है, ऊर्जा लेके क्या होते हैं, ऊर्जा लेके अपना स्थान छोड़ देते हैं। अर्थात क्या होता है, जब कोई भी अणु क्या होता है इसमें ऊर्जा लेता है अर्थात ऊष्मा ग्रहण करता है, तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, जिसके कारण डेंसिटी कम होने की वजह से क्या होते हैं, इनके अणु क्या होते हैं ऊपर की तरफ बुलबुले के रूप में ऊपर चले आते हैं। तो इस प्रकार से सारा पानी टैंक का क्या होता है, गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसी प्रकार से क्या हो जाता है, ये कन्वेक्शन की प्रक्रिया होती है। अब देखते हैं कन्वेक्शन की इस घटना लिक्विड और सॉलिड में होती है। कन्वेक्शन की जो प्रक्रिया होती है लिक्विड और गैस में होती है, लिक्विड और गैस में होती है। कन्वेक्शन में ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम होता है। कन्वेक्शन की घटना अकेले नहीं होती है। रेडिएशन जो होता है किसी ट्रांसफ़र की वह मोड जिसमें मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, रेडिएशन कहलाती है। रेडिएशन जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण होती है, अतः इस मोड में हीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में चलती है। जब रेडिएशन होती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में चलती है तथा जिस बॉडी से टकराती है वहाँ पर तीन एक्शन होती है। नंबर एक क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। नंबर तीन होता है रिफ्लेक्शन होता है। नंबर तीसरा होता है ऑब्जर्वेशन होता है। तो देखिए यहाँ पे प्रकाश है, अगर प्रकाश क्या होती है जब चलती है, जब किसी बॉडी से टकराती है, तो यहाँ पे कितनी घटना होती है, तीन घटना होती है। नंबर एक क्या होता है, जब टकराने के बाद में क्या होता है, कुछ एनर्जी ये जो वस्तु होता है ये रख लेता है, जिसे उस वस्तु की एनर्जी के रूप में ऑब्जर्वेशन कहते हैं जिसे। और कुछ क्या होता है, रिफ्लेक्ट कर देती है, मतलब उसी दिशा में क्या करती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। तो देखिए यहाँ पे जो वेव उस बॉडी के में ऑब्जॉर्ब हो जाती है उसे क्या कहते हैं, हीट एनर्जी कहते हैं या रेडिएशन एनर्जी कहते हैं, तथा जो वेव रिफ्लेक्स हो जाती है उसे रेडिएशन ही कहते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा जब हीट ट्रांसफ़र होता है तो उसे रेडिएशन कहते हैं।
इसके नोट्स देखते हैं, सब इम्पॉर्टेंट नोट क्या है। हीट ट्रांसफ़र जो होता है सबसे फास्ट रेडिएशन में होता है, उससे कम क्या होता है कन्वेक्शन में, तथा सबसे कम जो होता है कंडेंसर में होता है। पहले किस में होता है, रेडिएशन में होता है, उसके बाद कन्वेक्शन में होता है, और उसके बाद कंडेंसर में होता है। रेडिएशन की घटना सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में होती है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हम लोग देखें कि हीट का ट्रांसफ़र कितने प्रकार से होता है। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।